नसीम अख्तर, आपसे ये सवाल बहुत पूछना लाजमी बन जाता है कि जब मुस्लिम एक राष्ट्र यानी कि सऊदी अरब तबलीगी जमात जैसे संगठन को बैन करता है, क्या लगता है? और उसके ये कहकर बैन करता है कि कहीं ना कहीं आतंकवाद का दरवाजा यहीं से खुलता है। इसके बारे में मुझे पता नहीं। तबलीगी जमात का आपने नाम सुना है, क्या लगता है तबलीगी जमात मतलब क्या? तबलीगी जमात उससे पूरा दुनिया में इस्लाम को फैलाया जाता है। हाँ। उसको बताया जाता है हाँ इस्लाम धर्म ये है। हाँ। ऐसे करना चाहिए। क्या क्या बातें बताई जाती हैं? कहीं ना कहीं आप भी जुड़े रहे होंगे। हाँ। तबलीगी जमात से तो उसमें यही बताया जाता है जहाँ तबलीगी जमात के सदस्य हैं। हाँ। जैसे नमाज पढ़ो, आप भी तबलीगी जमात के सदस्य हैं, अच्छा काम करो, आप भी तबलीगी जमात के सदस्य हैं। हाँ। तो कितनी बार मरकज में भी आप शामिल थे? नहीं उस समय नहीं थे, लेकिन हाँ मरकज में जाते। लेकिन जमात के लिए आप जाते हो? हाँ जाते, समय समय पर जाते हो। कितना समय देते हैं आप मरकज के लिए, उसके लिए? सॉरी जमात का कोई टाइम नहीं होता। साल में कितना समय देते हैं वो? उसके लिए कोई टाइम नहीं है। फिर भी आप साल में 10 दिन, 15 दिन, 7 दिन, महीना, 2 महीना, कितना समय के लिए आप जमात के लिए निकलते हैं? महीना में तीन दिन के लिए। हाँ। तो अगर मुस्लिम राष्ट्र सऊदी अरब है या नहीं? हाँ, है ना। हाँ। अगर वो सबसे बड़ा राष्ट्र वो ये कहता है कि तबलीगी की जमात इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार नहीं बल्कि एक आतंकवाद का दरवाजा है, वहीं से उसकी गेट की एंट्री होती है, गलत है, वो बैन करता है ये कहकर? नहीं, ये गलत है, गलत कहता है। सच्चाई क्या? जमात तबलीगी जमात सच्चाई के रास्ते पे चलने के बताता था। वो ये कहता है सही काम करो, एक दूसरे को परेशान ना करो जी, यही बताता है। लेकिन शुरुआत में आपको याद होगा कि जब मरकज होता है, मरकज में लोग शामिल, जमाती शामिल होते हैं और पूरे देश में फैलते हैं, तो आरोप लगता है कि कोरोना को फैलाने में कहीं ना कहीं उनका बड़ा योगदान रहा। वो क्या था? ये लोगों के दिल में एक वहम है जी, एक दूसरे को भड़काने के लिए। जहाँ मुसलमान की वजह से हो रहा है, लेकिन जो कह रहा है गलत कह रहा है, मुसलमानों की वजह से नहीं होता है, ये एक दूसरे को भड़काने के लिए होता है। सच्चाई क्या है कि अगर कोई कहता है कि सभा के सांसद भी कहते हैं सभी को रहमान, कि मुसलमानों को कुचला जा रहा है, अयोध्या में राम मंदिर जबरदस्ती निर्माण किया जा रहा है, ऐसा आपको लगता है? ये जबरदस्ती है, हिंदू राष्ट्र है। हाँ। ये मोदी के भक्त ज्यादा है लोग। हाँ। इसके वजह से मुसलमानों को ऐसे कहा जाता है, ऐसे कहा जाता है। हाँ। लेकिन वाकई मुस्लिम परेशान है या नहीं? ऐसा परेशान तो है। किस बात से परेशान किया जाता है उसको? है किस नहीं बात से? किस बात से किया जाता है परेशान? आपके आसपास अगर हिंदू लोग रहते तो परेशान करते हैं आप? नहीं, हमें तो नहीं परेशान तो? करते हैं यहाँ। क्या परेशान क्या है? उस जगह पे जहाँ के वो धर्म के अलावा और कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी धर्म को घुमा फिरा के ये करते हैं कि मुसलमान ऐसे कर रहे हैं, मुसलमान ये कर रहे हैं, लेकिन कहीं से सही साबित नहीं होता है। नहीं होता है जब मुसलमान गलत कर रहा है तो हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है अगर बार बार आरोप लगता है तो? ये कहने के लिए अगर हिंदू भी वो कर रहा है, अगर उसको गोली मार दिया जाए, उसको पकड़ लिया जाए, तो वो कहता है हाँ मैं मुसलमान हूँ। अच्छा ऐसा होता है? यही होता है। अजमल कसाब कौन था? अब वो मुझे पता नहीं। बहुत मिनट, आखिरी सवाल करूंगा मैं। आप ये एक बहुत बड़ा आरोप है, देखिए आप एक हिंदुस्तानी हैं, थोड़ा इधर फेस करिए, आप एक हिंदुस्तानी हैं, अगर हिंदुस्तान में रह करके संविधान में आप रहते हैं, संविधान के दायरे में रहते हैं, हिंदुस्तान एक संविधान से चलता है, अगर ये कहना कि कोई भी अगर हिंदू पकड़ा जाता है आतंक की गतिविधि में या फिर कहीं भी किसी भी हिस्से में पकड़ा जाता है, तो आप कहते हैं कि वो मुस्लिम नाम लेकर के मुस्लिमों को बदनाम करने की साजिश रची जाती है? तो यही तो होता ही है। यही तो हो रहा है भाई। देखो आपने अजमल कसाब का नाम सुना होगा, आपने अमान भाई, देखो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक है, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इतना ये भाषण देने का जरूरत नहीं है। ओबीसी का, लेकिन पार्टी का है ओबीसी का। हाँ। ओबीसी का बिल्कुल है। क्या क्या हर मुस्लिम जो आरोप लगता है, हर आतंकवादी मुस्लिम क्यों होता है जी? अगर आज जमात तबलीगी जमात जो विश्व भर में काम करता है, विश्व के लगभग 195-200 के आसपास देशों में काम करता है, जिसकी शाखाएं पहली हुई हैं, लगभग 8 करोड़ से अधिक उसके मेंबर हैं, अगर उस पर सऊदी अरब ये कहकर के बैन करता है कि कहीं ना कहीं ये आतंकवाद का दरवाजा खोलते हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है, नहीं होता है? फिर भी सर। हाँ, मैंने आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि तबलीगी जमात को सऊदी अरब जैसा मुस्लिम राष्ट्र बैन करता है, कि भारत में उसको बैन करने की ज़रूरत है? मैं सिर्फ 100 सवाल का एक ही जवाब देता हूँ, जब तक मोदी है हमारा भारत सुरक्षित है। आप बहुत परेशान हैं मोदी से, तो मोदी के आने से धर्म ऐसे। जब तक मोदी है, जब तक चल दिए उन्हीं से बात कीजिए। अरे मुझे मेरे पास टाइम।
देखिए ये आ जाओ आ जाओ मुल्ला जी आ जाओ मैं कह रहा हूँ ये ओबीसी के बातों पे चलने वाले हैं धर्म गुरु ओबीसी के बातों पे कि हाँ मैंने यहाँ ओबीसी ने एक बात बोली थी कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे कुछ नहीं हटा दो हम कम है क्या वो सर बीच में हम यहाँ पे कम है क्या वो बीच में सिर्फ घुस रहे हैं उसे कुछ नहीं हो सकता है लेकिन वाला हम गरीब आदमी लड़ने वाले हम गरीब आदमी लड़ने वाले गरीब आदमी मैं ओबीसी बीच में आके क्या करेगा वो तो अपने घर में बैठेगा हैं ओबीसी लड़ने आ रहा बीच में मेरा एक सेकंड एक सेकंड लड़ेंगे हम गरीब आदमी एक सेकंड ओबीसी बोल के हैदराबाद के एक सेकंड जब तक मोदी जिंदा है जब तक मोदी जिंदा है मैं सभी भारतवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि जब तक मोदी जिंदा है प्रधानमंत्री का नाम याद रख ले बस बिल्कुल बस सही कह रहे हैं मोदी जिंदाबाद मैं नहीं कह सकता मैं नहीं कह सकता क्या कर दिया तो बताओ मैंने क्यों नहीं युवा पूछो युवा क्या है युवा आज गली में घूम रहा है पढ़ा लिखा आदमी कोई हाई स्कूल है कोई टेंथ पास आज तो राशन फ्री मिल रहा है राशन 6-6 महीना साल साल भर का फ्री कर दिया लॉकडाउन में कर दिया डबल मिल रहे हैं और मोदी क्या करेगा राशन इंडिया के अलावा किस देश में मिलता है कोई बताए मुझे इंडिया के अलावा किस देश में राशन किसान का जो पेंशन आता है वो किस देश में मिलता है बताइए इंडिया के अलावा आंदोलन चल रहा है यहाँ पर अपना किसान का ही हैं उसमें जो वो गलत है गलत तो है ठीक है गलत बिल्कुल गलत है लेकिन लड़ना किसान लड़ रहा है किसान लड़ रहा है कि हम कुछ आधा पैदावार करें ठीक है कुछ हम ज़्यादा पैदावार करें इसमें हो सके लेकिन इसमें क्या होता है जैसे ये लोग बोलते हैं ना वैसे जैसे लोग बोलते हैं हैदराबाद बैठ के कि हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे ये क्या चीज़ है ये क्या चीज़ है मैंने एक बात कहना चाहूँ मैं बंगाल का रहने वाला हूँ बंगाल दीदी के यहाँ से आए हाँ दीदी का आई हूँ आप बीजेपी का नाम लोगे तो हम गाँव में नहीं रह पाओगे बीजेपी का नाम मोदी का नाम लोगे ममता का ममता हाँ पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की कह रहा हूँ कलकत्ता की आप वहाँ मोदी जी की आपको क्या कहना है इनसे पूछिए ममता कहना है जो बंगाल में इतना इतना गुंडागर्दी है बहुत ज्यादा है हाँ आप कहोगे टीएमसी में कर रहा हूँ ममता का लोग हो तो आपको कुछ नहीं करेगा आप कहेंगे बीजेपी का हो आपको घर में दिक्कत करेगा और घर में घुस नहीं पा रहा है आप सब बाहर हम 2 साल से यहाँ भी कोई दिक्कत है आप यहाँ कुछ नहीं दिक्कत है आप 2 साल से बाहर यहीं रहते हैं हाँ किस लिए यहाँ कंपनी में काम कर रहे हो मतलब यहाँ सुरक्षित है इसलिए सुरक्षित है ये सुरक्षित सरकार है इसलिए अच्छा हाँ वहाँ ममता की सरकार है इसलिए नहीं वहाँ नहीं रह पा रहे हैं यहाँ बीजेपी की सरकार है इसलिए सुरक्षित है यहाँ पे सुरक्षित है क्यों भैया योगी मोदी की वजह से मोदी की वजह से योगी मोदी की वजह से अच्छा तबलीगी जमात का आपने नाम सुना है जी मैं एटा से बिलोंग करता हूँ एटा यानी यूपी जी यूपी से है क्या लग रहा है यूपी में क्या जलवा लग रहा है जलवा बीजेपी जीतेगी वहाँ अखिलेश भैया कहाँ गए वो साइकिल चलाते हुए निकल गए साइकिल चलाते हुए साइकिल पंचर हो गए हाँ पंचर हो गए क्या दिक्कत हुई उसमें से साइकिल में ऐसी दिक्कत क्या होगी कि जो मतलब कहीं ना कहीं मतलब हाथी की जो सवारी पिछली बार हुई थी वो भारी हो गई हाँ उनके जो विचार थे वो ठीक नहीं है क्योंकि जब भी वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पब्लिक के लिए कोई काम अच्छे नहीं किए तो कह रहे हैं कि हमने तो विकास किया है एक्सप्रेसवे बनाए युवाओं को लैपटॉप जब उनकी सरकार सत्ता में बन जाती है तो गुंडा राज आ जाता है जब उनकी सरकार सत्ता में बन जाती है तो हर व्यक्ति अखिलेश जी बन जाता है गुंडा राज बढ़ जाता है जी भाई हम लोगों को बीजेपी की सरकार आएगी और पूर्व बहुमत में आएगी देखो चचा अभी कुछ बोल रहे हैं सब ठीक ठाक चल रहा है हाँ सब ठीक ठाक क्या करते हैं आप प्लम्बर का काम करते हैं मजदूरी करते हैं क्या लगता है कि मजदूरों को कुछ सरकार ने दिया है कुछ मिला है सरकार ने या फिर सरकार में अगर मजदूर खुश है तो किस बात से मजदूर खुश इसलिए है कि उसका प्लान रुक गया है गांव से क्या हुआ प्लान रुक गया गांव से हाँ जो भी जाता है वो लौट के नहीं आ रहा मजदूर खोजने पे नहीं मिलते हैं अच्छा हाँ और पहले क्या हालत थे पहले तो मारे मारे फिर रहे थे मजदूर जो गए आ गए थे धक्के खा के गए हैं परेशान होकर गए अब जो आए हैं वो गिने चुने हैं जिन पे कोई धंधा लगा हुआ वही है नहीं तो बाकी कोई नहीं है सब ठीक चल रहा है क्या उम्मीद लग रही है इस बार बीजेपी के सिवा कोई नहीं आने वाला और कोई नहीं आएगा अखिलेश मायावती इन सब
लुटेरे हैं, मायावती ने खाली मूर्ति बनवाया अपना एटा यही दिखाया बादलीपुर, और मुलायम सफाई सफाई बनवा और कुछ किया नहीं। और योगी ने तो पूर्वांचल में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे दिया, और मनुरी में क्या नाम है ये हवाई जहाज का अड्डा बनवाया है, जेवर एयरपोर्ट, हाँ जेवर एयरपोर्ट, एक आजमगढ़ में भी बनवाया अभी जल्दी जल्दी में, 11,000 करोड़ का रुपया सिलाना सर। भैया युवा ठीक ठाक है? हाँ सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लालन 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 भाई, सब ठीक ठाक ही बताइए। हाँ सर। सरकार में परेशान है? सरकारी में परेशान है, लेकिन क्या किस तरह की परेशानियाँ हैं? क्यों चचा ठीक हो? सही है, बढ़िया है सर। ठंड ज्यादा पड़ रही है क्या? हाँ सही है, बड़ा एकदम पूरा ऐसे लग रहे हो जैसे मनाली से आ रहे हो। सही है सरकार, चल रहा है सब ठीक है सर, थोड़ा प्राइवेट वालों पे और ध्यान दिया जाए बस। और अच्छा ठीक हो जाएगा अगर प्राइवेट वालों पे ध्यान दिया जाएगा? हाँ थोड़ा कम ध्यान है। भैया ठीक है आप? हाँ मैं तो ठीक हूँ। क्या नाम है? तरुण। युवा ठीक ठाक है, परेशान है इस सरकार में? नहीं सरकार तो ठीक है, लेकिन महंगाई तो है। महंगाई ज्यादा है, कुछ इलाज होना चाहिए। होना चाहिए? क्या इलाज होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए। सरकार बदलनी चाहिए? नहीं नहीं सरकार नहीं बदलनी, सरकार तो वही रहेगी, सरकार वही रहेगी, लेकिन उपाय होना चाहिए। उपाय होना चाहिए, बीजेपी सरकार, उसी सरकार को आप क्यों चाहते हैं? बस अच्छी लगती है, बढ़िया है, मजबूत है, दिखने में अच्छी लगती है, चेहरा अच्छा है, क्या अच्छा है, काम अच्छा है। मोदी जी का, मोदी सिर्फ मोदी मोदी दिखाई दे रहा है, सिर्फ मोदी 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 दिखाई दे रहे हैं आपको। हाँ लेकिन बंगाल में क्या हुआ? बंगाल में तो थोड़ा हार गया, लेकिन इस बार 100% जीत जाएगा। अभिमन्यु कहाँ से हैं? वाराणसी। इस बार किसका चक्र भी तोड़ने वाले हैं? नहीं योगी को है? योगी को वोट देंगे, योगी को देंगे। ऐसा तो नहीं चक्र में फंस जाओगे? नहीं नहीं है? क्लियर कट मार जाओगे, क्लियर कट, शहीद हो जाओ, क्लियर कट है, क्लियर कट जाएगा। काशी से बिलोंग करता हूँ। काशी से? अरे वाह, आज तो वहाँ पे मोदी मोदी हो रही है। हो रही है, पूरा दुल्हन की तरह सजाया गया है काशी को आज। दीप जलाया जा रहा है। आप नोएडा में घूम रहे हैं, मोदी जी काशी में घूम रहे हैं, क्या करें? अब हर आदमी ऐसा तो नहीं है कि मतलब वहाँ पे चला जाए यार। मौका नहीं मिला आपको वहाँ जाने का? नहीं मौका नहीं मिला मोदी जी से मिलने का। तो फिर दोबारा भी जाएंगे तो हर बार आदमी मौजूद नहीं हो पाएगा ना। मोदी से मिलने जाएंगे तो पेट कहाँ से भरेगा? काम करना पड़ेगा। और क्या, काम करेंगे तभी तो पेट भरेगा। हम ये नहीं बोलते हैं कि मतलब मोदी मौका मिले नहीं मिले, हमें भारत देश की सेवा करने मौका मिले। हम युवा आदमी हैं कति, हाँ बिल्कुल, हम हाई स्कूल पास करे हुए हैं। क्या लगता है आपको कि सरकार ने ऐसा क्या दिया है आपको? मैं भी योगी मोदी के, मोदी तो कह रहे हैं वहाँ पे गंगा स्नान कर रहे हैं, कभी तिलक लगा रहे हैं, कभी माला पहन रहे हैं। हमें शांति महसूस होती है, शांति महसूस होती है। अगर मोदी बार बार बनारस का दौरा करते हैं कितनी खुशी होती है? अच्छा अच्छा, खुशी है हमारे क्षेत्र में जाने से, खुशी है हमारे क्षेत्र का विकास हो रहा है, हमारे क्षेत्र का विकास हो रहा है, पूर्वांचल का विकास हो रहा है, हमें दिख भी रहा है।